हम लोग अभी पेमियांसी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से टर्निंग लेके नीचे से आए हम लोग। मैं अभी पेमियांसी जो मॉनेस्ट्री है उसके बिल्कुल सामने हूँ। आप देख सकते हैं पेमियांसी मॉनेस्ट्री का सामने का जो पार्ट है वो देख सकते हैं आप। ये बहुत ही पुराना मॉनेस्ट्री है। मैं जितना हो सके इसके बारे में, इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी पता करने का कोशिश करूँगा। मैं अभी यापो लोपेन जी से बात कर रहा हूँ और उनसे पूछूंगा कि ये जो पेमियांसी मॉनेस्ट्री है, पेमियांसी मॉनेस्ट्री का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये जो पेमियांसी मॉनेस्ट्री ये बहुत ही पुराना और हेरिटेज मॉनेस्ट्री है। मैं इसके बारे में उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। सर आप कुछ बताइए मेरे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। ये पेमियांसी मॉनेस्ट्री है 1640 and 1650 ओके के बीच में ये स्टार्ट बनाया है। बनाया था। वो बनाने वाला वो ग्वालहाप सिंह नमका जी में खम से आया। अच्छा। उसके टाइम में इधर आकर वहाँ ने बनाया। ओके। अभी हो गया ये बनाकर अभी 380। अच्छा। थोड़ा ज्यादा हो गया, 380 साल हो गया। बाबा बहुत ही पुराना। अभी तक इसका 4 बार रिनोवेट हो गया। अच्छा। लास्ट ये रिनोवेट 10 साल के आगे। अच्छा। थोड़ा 8 को ही आया। अच्छा। उसके टाइम थोड़ा डैमेज हो गया। ओके। उसके टाइम में लास्ट हमारा थोड़ा इसका रिनोवेट हो गया। ओके। जो है जो ये वॉल है आगे को, जो वॉल है ये सब ओरिजिनल है। ओके। जो अंदर का जो है जो स्टैचू है मेन गुरु पद्मनाभ स्वामी दर्ज बोलता है। ओके। वो तो 250 साल हो गया उसको पुराना। अच्छा जी। इधर उधर दो अवलोकित शराय है। इधर जो है हमारा बुद्धा का गौतम बुद्ध है। और 150 साल हो गया पुराना। अच्छा। जो है उसका बजर किला है। अच्छा। उधर है जो गुरु ठाकुर है। ओके। ऊपर में है जो गुरु सेंगे 8 मैनिफेस्टेशन गुरु का प्रसंग। ओके। वो सब मना कर अभी 70 ईयर्स हो गया। अच्छा। 70 17 साल हो गया। ओके। जो है टॉप में जो सांतु पेरी है जो गुरु रुमसी का पैलेस। अच्छा। वो हमारा बोलता है संगदो पालरी। ओके ओके। ये है जो संसार में है बहुत में सब संतो पेरे हेवन होता है। तीन स्टेप होता है। अच्छा। जहाँ में अच्छा। इसमें एकदम इसका स्पेशल। अच्छा। 4 स्टेप है इसका। अच्छा। जो फर्स्ट मार्क सब में टॉप में अमिताभ का वो स्वर्गालोक है। अच्छा। स्वर्गालोक जी स्वर्गालोक। उसके नीचे में धर्माकाया का है। अच्छा। उसको नीचे संभोकाया के। अच्छा। उसके नीचे में निर्माणकाया। ओके। उसके नीचे में जो है पैराडाइज। ओके। उसके नीचे में वो पृथ्वी लोक। अच्छा। उसके बाहर में 4 तरफ से 4 वॉल होता है। अच्छा। इसमें एक वॉल सऊदी, एक वॉल इधर तो नहीं है। अच्छा। ऐसा है। अच्छा। 4 डायरेक्शन मतलब स्ट्रक्चर वैसे है। ऐसा है। अच्छा। क्योंकि ये संसार का हमारा मंडला बनता है। ओके। 4 तरफ में 4 संसार होता है। अच्छा। हमारा साउथ में। अच्छा। और इस साउथ में 2 संसार होता है। ओके। साउथ वेस्ट में 2 संसार होता है। ओके। वेस्ट नॉर्थ में 2 है, नॉर्थ ईस्ट में 2 होता है। टोटल 12 प्लानिट हो गया। 12 प्लानिट हो गया। प्लानिट। ओके। हमारा बुद्धिस्ट में जो है 12 प्लानिट होते हैं। अच्छा। साइंटिस्ट ने अभी तक उसको रिसर्च करा है। ओके। 9 है 8 है ठीक। अच्छा, नहीं अच्छा अभी कम्बो नहीं था। राइट। और इसका देखना पड़े और हमारे का तो 12 है। अच्छा। 9 तो अभी प्लानिट है। 9 प्लानिट है राइट। हाँ। और 3 3 और एक्स्ट्रा बाकी है। हाँ, बाकी है। बाकी है। अच्छा। जो सेंटर के साथ में तो 13 हो गया। थर्टीन हो गया हमारे बुद्धिज्म में। ऐसा बुद्धिज्म में ये ऐसा है ठीक है। इधर होता है जो है लामा लोग होता है सिक्किम में लोकल। अच्छा। लामा आदमी लोग लामा बनाते हैं। हाँ हाँ। ये छोगल फर्स्ट छोगल जो सिक्किम का किंग था। तीन लामा था। वो तीन लामा ने जो है हमारे सिक्किम का जो राजा बनाया है। हाँ।
और क्या पूछना है? और यहाँ पे जो मतलब जो इन यहाँ पे तो आपका ये इंस्टीट्यूट ही है ना, ये तो कॉलेज ही है ना, एक कॉलेज में नीचे है, नीचे कॉलेज है। अच्छा, तो वहाँ पे जो स्टडी होता है क्या बुद्धिज्म के ऊपर होता है? और मतलब नॉर्मल जैसा हम लोगों का ट्रेडिशनल जो एकेडमिक होता है नॉर्मल स्कूल कॉलेज में, वैसा ही टाइप का कुछ स्टडी होता है? इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, हिंदी भी है, सब गवर्नमेंट ने दो तीन हमारे टीचर भी है। यहाँ पे जैसा आपने बोला जो एकेडमिक होता है जी, तो यहाँ पे कौन सा क्लास तक मतलब बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाया जाता है? हमारा तो कॉलेज ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन तक है। तो यहीं पे होता है ना? यही होता है, यही होता है। और यहाँ पे क्या क्या मतलब सब्जेक्ट आप लोग पढ़ाते हैं, मतलब बच्चे लोगों को? बुद्धिस्ट के सब है, बुद्धिस्ट का सब है। स्क्रिप्चर क्या बुद्धिज्म में है? सब है। अच्छा 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 अच्छा। बुद्धिस्ट के कॉलेज से ताक्सी में है, ताक्सी में पहले था देवरली में। ओके, जो टिबेटोलॉजी के नाभि में। ओके, तो सब सिर्फ पांगथंग में हो गया। पांगथंग में हो गया। अच्छा 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 अच्छा। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी, ओ सिक्किम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये बनाया है हमारा सैंपल। अच्छा, क्योंकि ये पेमा यांगसी बोलता है, पेमा यांगसी ये जगह है। हाँ, ये लोटस, लोटस पेमा मतलब लोटस, पेमा लोटस। ओके, जो है ये सेंटर में। ओके, जो पेमा लोटस का वो पत्ती होता है ना। ओके, बाहर का ये वो हिल लोग है। ओके, ये सेंटर में है। ओके, सेंटर को जो होता है ना। हाँ, उसके ऊपर से ये मनुष्य। अच्छा, इसीलिए पेमा यांगसी। ओके, मतलब पेमेंसी का आपने मतलब अभी बता दिया कि पेमेंसी अभी देखो इसका सिंपल यही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गया मैं। हाँ हाँ, ओके बोलता है। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिला आपके, आपने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जो कि मतलब रेयरली मिलता, बहुत मुश्किल है, वीडियो में तो मुश्किल है मिलना, डॉक्यूमेंट्री में हो सकता है, बट अच्छा लगा आपने शेयर किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमको लगता है मेरे वीडियो के थ्रू जिनको थोड़ा पेमेंसी के बारे में क्या है एक्चुअली हिस्ट्री, वो आपने डिस्क्लोज किया, जो भी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है पेमेंसी मॉनेस्ट्री का, जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रेमिसेस है, ये पेमेंसी मॉनेस्ट्री का प्रेमिसेस है। यहाँ से मेरे को दिख रहा है राबदेनसी जो रियून है, मतलब जो यहाँ का जो सिक्किम का जो किंगडम था उनका पैलेस वही राबदेनसी में था, और आपको उसी का ही रियून दिख रहा है जो कि आपका एकदम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अभी हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, और रियून का जो अभी जो बचा हुआ है उसका थोड़ा वीडियो भी बनाएंगे, और उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी जितना हो सके मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी दूंगा। अभी जो मैं ये जो पुराना जो हेरिटेज आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ये बहुत ही पुराना है, 16th सेंचुरी का है। देखिए कितना सुंदर है, यहाँ पे जो बड़ा यहाँ पे गुरु था, मतलब धर्म गुरु था, तो उन लोग यहाँ पे ही बैठता था, और अभी भी अगर कुछ प्रोग्राम होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पे जो धर्म गुरु है अभी वो भी यहाँ पे आके ही बैठता है। सामने आपका मेडिटेशन सेंटर भी है, देखिए सब मेडिटेशन सेंटर है, ये 16th सेंचुरी का बनाया हुआ है, ये सब जो भी आप देख रहे हैं ये रहने का घर, ये एकदम पेमेंसी जो मॉनेस्ट्री है उसी के पास ही है।